नमस्कार, मैं शादना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी नवरात्रि के नौवां दिन यानी कि नवरात्रि के नवमी के दिन किस माता की पूजा होती है और कौन सा भोग लगाया जाता है और कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करने से आपको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धियाँ यानी सब प्रकार की जो सुख समृद्धि या फिर कहिए वरदान देने का जो दिन है वो आज ही नवमी के दिन को ही कहा जाता है। दोस्तों, प्रायः सभी लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ की पूजा आराधना सब कुछ करते हैं और नवमी के बाद जो है उनका उत्साह काफ़ी कम देखने को मिलता है और माता के इस स्वरूप की पूजा आराधना में वो अपना उत्साह कम कर देते हैं। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार आपने आज तक यानी अष्टमी तक माँ की आराधना की, साधना की, उसी प्रकार अब सिद्धियों की दात्री, देवी सिद्धिदात्री की आराधना करना न भूलें, क्योंकि माता ही सब सिद्धियों की दाता हैं। और नवरात्रि में जिस कामना के निमित्त आपने व्रत रखा, अब माँ वो कामना की सिद्धि आपको देने जा रही हैं। तो इसलिए आज के दिन की पूजा पाठ करना आप न भूलें, क्योंकि आज नौवां दिन यानी कि माता का आखिरी दिन, माँ के नौवें स्वरूप की पूजा जो है आपको विधि विधान से करनी है। आज के दिन यज्ञ हवन होगा और कन्या पूजन भी करेंगे, यानी कि अष्टमी के दिन यदि आपने कन्या पूजन नहीं किया तो आप नवमी के दिन भी कन्या पूजन करेंगे। और इस बार जो है बेहद शुभ संयोग बन रहा है तो कन्या पूजन दोनों ही तिथियों में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। माता को कमल का पुष्प अर्पित करने से वो प्रसन्न होकर के और कलयुग में सभी सिद्धियों की दाता है। यानी कहा गया है कि यदि किसी की कामना लंबे समय तक पूर्ण नहीं हो रही है तो कमल का पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करने से उसकी वो इच्छा, वो कामना पूर्ण हो जाएगी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज की पूजा पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ। आज की पूजा पे जोर देने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आज माँ सिद्धिदात्री आपने जिस कामना के लिए माँ की पूजा की, आज वो कामना की सिद्धि आपको वरदान देने जा रही हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ कि सिद्धिदात्री नवरात्र उपासना का फल जो है वह प्रदान तो करती ही हैं। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी का स्वरूप भी मानी जाती हैं। तो यानी इसीलिए इन्हें कमल का पुष्प अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह जो है कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है, जो कि अपने हाथों और माँ अपने हाथों में कमल के पुष्प के साथ ही शंख, चक्र और गदा भी रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि आज के दिन आप माँ की साधना करना न भूलें। माँ की साधना का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं, इससे संपूर्ण सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला केसरिया रंग बहुत प्रिय है। तो आज के दिन जब माँ का मंत्र जपें, पूजा करें तो लाल, पीले या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। आज का शुभ रंग जो है लाल, पीला और केसरिया है। माँ को पंचामृत का भोग भी लगाया जा सकता है, यानी कि माँ को पंचामृत भी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन माँ को पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। खीर भी माँ को भोग के स्वरूप लगाई जाती है, खीर भी उनका प्रिय भोजन माना जाता है। खीर अर्पित करने से भी आपको माँ की जो कामना है आपने माँ के सामने रखी है वह पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, तिल का दान करने से अनजाना जो भय होता है, खौफ होता है, वो समाप्त होता है। अब वो खौफ, वो भय किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो आपको अगर किसी चीज़ का डर बना रहता है तो उसके लिए आप माँ को तिल का, सफ़ेद तिल का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो है आप इस तिल को गरीबों में या फिर आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। ये कार्य करना न भूलें। अब रही बात कमल की, तो कमल हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जो फूल की दुकान होती है उस पर आप पहले से बोल देंगे तो कल तक वो फूल आपके लिए आ सकता है। तो ऐसा कोशिश कर लीजिए। और दोस्तों, एक बार फिर जाते जाते कहूँगी आपको कि कामनाएँ जो आपने रख करके और नवरात्रि किया तो उसकी सिद्धि का दिन कल है, इसलिए कल तो आप माता के इस स्वरूप को
बिल्कुल भी ना भूलें। तो माता का ये स्वरूप जो है वह संपूर्ण सिद्धियों के साथ साथ आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।